नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। इंडोनेशिया में भी एक शख्स के ऊपर ईश्वर कुछ इस कदर ही मेहरबान हुए। इंडोनेशिया में ताबूत बनाने वाले एक शख्स के घर में आसमान से एक ऐसी नायाब चीज गिरी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल सुमात्रा में रहने वाले 33 साल के ताबूत निर्माता जोशुआ होतागालुंग उस वक्त रातों रात करोड़पति बन गए जब उसके घर की छत पर उल्का पिंड का टुकड़ा गिरा। ये उल्का पिंड काफी पुराना था जिसके बदले में उसे करीब 10 करोड़ रुपए मिले। जानकारी के मुताबिक जोशुआ घर के आंगन में ताबूत बनाने का काम कर रहे थे कि तभी छत को तोड़ता हुआ एक पत्थर उनके घर के अंदर आकर गिरा। पत्थर को देखकर पहले तो जोशुआ घबरा गए क्योंकि फुटबॉल के साइज का वो पत्थर देखने में काफी अजीब था। जोशुआ की पत्नी ने जब इस पत्थर को छुआ तो वो काफी गर्म था। जोशुआ ने बताया, कुछ देर तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम करें क्या। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये एक उल्का पिंड है और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जोशुआ को इस उल्का पिंड के बदले में 1.4 मिलियन पाउंड यानी करीब 9.80 करोड़ रुपए दिए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये उल्का पिंड लगभग 4.5 अरब साल पुराना है और अभी तक मिले उल्का पिंड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इस उल्का पिंड के जरिए वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक जोशुआ के घर में जो उल्का पिंड का टुकड़ा गिरा वो करीब 4.5 बिलियन साल पुराना है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तक मिले उल्का पिंडों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उल्का पिंड है ये। इस उल्का पिंड के जरिए वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।